नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रॉकी कलावत। और आज हम आ गए हैं पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल, जिसे पूरे भारतवर्ष में काला पानी की जेल के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले मैं उन सभी आज़ादी के दीवानों, फ्रीडम फाइटर्स को सैल्यूट करना चाहूँगा, सलाम करना चाहूँगा, जिनकी वजह से हमें आज़ाद भारत में सांस लेने का मौका मिला। तो चलिए सेलुलर जेल का एक भ्रमण करते हैं और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद। यह टिकट काउंटर की तरफ जाने का रास्ता। दोस्तों, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं दो मशाल, इनको स्वतंत्र ज्योति के नाम से जाना जाता है। ये भारतवर्ष में शहीद हुए उन सभी फ्रीडम फाइटर्स के नाम से जलाया जाता है। इसको जलाने में हर महीने लगभग 48 सिलेंडर यूज होते हैं। एक मशाल को जलाने में मिनिमम 24 सिलेंडर लगते हैं। और सिलेंडर प्रोवाइड करवाता है IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट सेलुलर जेल को सिलेंडर प्रोवाइड किए जाते हैं। ये जो आप शहीद स्मारक देख रहे हैं, यहाँ पर 1985 से पहले हॉस्पिटल हुआ करता था, जो यहाँ पर बंद कैदियों के लिए बनाया गया था। टूटने के बाद इस शहीद स्मारक का निर्माण किया गया। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं उसको बोलते हैं फ्लोगिंग। इस जेल की सबसे पीड़ादायक सजा थी वो थी फ्लोगिंग। इसमें इंसान को पूरा नग्न करके फ्लोगिंग स्टैंड जो आप देख रहे हैं उस पर बांध दिया जाता था। उसके हाथ ऊपर बांध दिए जाते थे, पैरों में नीचे कड़े बांध दिए जाते थे और पूरा नग्न अवस्था में एक कपड़ा मात्र उसके शरीर पर रहता था। और कमर को एक ब्लैक बेल्ट के द्वारा फ्लोगिंग स्टैंड से बांध दिया जाता था। और उस पर जो ब्रिटिश कर्मचारी रहते थे या इधर जेल में काम करने वाले बंदे रहते थे, वो जब तक कोड़े बरसाते तब तक कि उसकी स्किन बाहर ना आ जाए, उसका मांस ना दिखने लग जाए। ये ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि जेल में जो भी नया कैदी आए उसको सबक मिल सके। यह है ऑयल मशीन, जिसे उस समय बंद कैदियों द्वारा ही चलवाया जाता था। यह बम्बू, इस पर वेट बांध दिया जाता था और एक या दो इंसान इसको पुल कर करके पुश करके चलाते थे। और यहाँ पर नारियल तोड़ के इसके अंदर डाला जाता था। प्रतिदिन 30 पाउंड के समथिंग नारियल ऑयल निकाला जाता था और 10 पाउंड के समथिंग मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल निकाला जाता था। अगर कोई कैदी इसको चलाने में असमर्थ होता था तो उस पर पीछे से कोड़े बरसाए जाते थे। जो आप देख रहे हैं, ये काल कोठरी में बंद करने के बाद जो कैदियों को रिग पहनाई जाती थी, ड्रेस पहनाई जाती थी, वो है, ये है चैन फिटर, मतलब कि चैन बांध दिया जाता था और काल कोठरी में बंद कर दिया जाता था। ये था बार फिटर, मतलब लोहे की दो रोड होती थी, वो उनके पैरों में बांध के पैर में छल्ले बांध दिए जाते थे और उन्हें काल कोठरी में भेज दिया जाता था। सबसे कठोर था क्रॉस बार फिटर, इसमें पैरों में नीचे भी एक रोड बांध दी जाती थी ताकि ना तो कोई व्यक्ति दौड़ सकता था और ना ही पैरों को चौड़ा या आगे पीछे कर सकता था। अगर कोई कर्मचारी के साथ बदसलूकी करता कोई कैदी, तो उनको ये ड्रेस पहनाई जाती थी। ये ड्रेस पहनने के बाद में कैदी के शरीर में बहुत ज़्यादा खुजली होती थी, उनको स्किन डिजीज होने का भी डर रहता था। इस स्थान पर जिस कैदी को फांसी दी जाती थी, फांसी देने से पहले उनको यहाँ पर लाया जाता था और उनकी अंतिम इच्छा पूछी जाती थी। अंतिम इच्छा में उनको पूछा जाता था कि उनको किस धर्म के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार किया जाए। आगे दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है फांसी स्थल, फांसी घर, जहाँ पर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको फांसी दी जाती थी। फांसी घर, फांसी हर कैदी को नहीं दी जाती थी, सिर्फ उन्हीं कैदियों को फांसी दी जाती थी जो कि बहुत कड़ी सज़ा भुगत रहे हों या जिन्होंने ब्रिटिश कर्मचारियों के साथ मारामारी की हो। और तीन बंदों को एक साथ फांसी दी जाती थी।
इस स्पॉट पर लाकर खड़ा किया जाता था और उनके गले में रस्सी बांध दी जाती थी। बाद में लीवर को डाउन किया जाता था और उनकी डेड बॉडी नीचे लटक जाती थी। नीचे जाने के बाद डेड बॉडी को इस रास्ते से बाहर लाया जाता था, बाहर लाने के बाद में ये वो स्थान था जहाँ पर उनकी डॉक्टरी जांच की जाती थी। डॉक्टर ये चेक करते थे कि मर गया या फिर इनकी सांसें चल रही है। दोस्तों, ये जो कोठरी आप मेरे सामने देख रहे हैं, यह सचिंद्र नाथ सन्याल की, जो कि आज़ादी के टाइम में भारत में सक्रिय रहे थे। ये उनकी चद्दर है और ये लोटा जिसमें उनको खाना दिया जाता था, सचिंद्र नाथ सन्याल। ये रास्ता वीर सावरकर जी की काल कोठरी की तरफ जाता है, जो सेकंड फ्लोर पे है। वीर सावरकर जी की काल कोठरी, दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है वीर सावरकर की काल कोठरी जिसमें उन्हें रखा गया था। उन्हें यहाँ पर 1911 में लाया गया था, 50 साल की सजा सुनाई गई थी। ये है उनका बर्तन जिनमें उनके द्वारा खाना खाया जाता था। ये उनकी चद्दर रखी हुई है जिनकी हालत बहुत ही खराब स्थिति में है, लेकिन 1921 में उन्हें रत्नागिरि की जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। ये जो आप मैं नीचे दिखा रहा हूँ, मैं आप देख पाएँ तो यह फांसी घर तो नीचे दिख रहा है, उसमें यहाँ से वीर सावरकर जी को दिखाया जाता था कि जिस जिस बंदे को फांसी दी जाती थी ताकि उनका मनोबल है वो कम पड़े, उनके मानसिक प्रताड़ना दी जाती थी। दोस्तों ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये इस सेलुलर जेल कालापानी जेल का मॉडल है, जिसका निर्माण कार्य 1896 में स्टार्ट होकर 1906 में कम्प्लीट हुआ था। इसमें लगभग 696 कमरे हैं और 7 विंग्स है जो 7 दिशाओं में फैली हुई है। इसके बीच में इनका जो हेड होता था, जेलर होता था डेविड, उसका रेजिडेंस था। दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं, ये इस जेल का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट है, जो उस समय लाल ईंटों से बना हुआ था, जो टूटने के बाद ऐसा बना दिया गया है। इसमें एक बहुत बड़ा घंटा लगा हुआ था जो इस जेल में अलार्म बेल का काम करता था। ये जो आप मेरे पीछे टिन सेट देख पा रहे हैं, यहाँ पर इनके बाकी के 3 विंग थे जो कि 1941 में आया अर्थक्वेक भूकंप की वजह से टूट गए थे, जिसके बाद सरकार ने साफ सफाई करके यहाँ पर हॉस्पिटल का निर्माण कर दिया है। ये जो 2 बिल्डिंग्स आप देख पा रहे हैं, ये एक किचन था और एक स्टोर रूम था जिसमें कैदियों के लिए खाना बनाया जाता था। दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।